नमस्कार दोस्तों, आज मैं आंवले के सीड्स कैसे लगाए जाते हैं बताऊंगी। ये आंवला मैंने कट करके उसके ऊपर के पोर्शन को अलग कर दिया है और गुठलियों को अलग कर लिया है। ये 5-6 गुठलियाँ हैं, मैं लगाना बता रही हूँ। मिट्टी के से हमने गमला भर लिया, थोड़ी थोड़ी दूर पर हमने ये आंवला के सीड्स को रख दिया है। आंवला के सीड्स बहुत हार्ड होते हैं दोस्तों, वो मैंने लगा के ऊपर से गीली मिट्टी डाल दी है। कभी कभी सीड्स होते हैं पानी में इधर उधर बह जाते हैं, जब हम पानी डालते हैं तो हमने मिट्टी को पूरा गीला कर लिया और नीचे वाले जो गमला की मिट्टी है वो थोड़ा सूखापन लिए है। वो कोई बात नहीं है क्योंकि कल ही बारिश आके चुकी है तो आपको ये गीली मिट्टी जैसी ही प्रतीत होगी। दोस्तों हमने गणेश जी का विसर्जन किया था तो घर में ही विसर्जन किया था, मिट्टी के गणेश जी नए मंगाए थे और पानी में डाल के हमने उनको विसर्जन किया, वही मिट्टी में यूज़ कर रही हूँ। ये आप देख रहे हैं मैं सब गमलों में इसी तरह से मिट्टी डाल दे रही हूँ जिससे कि भगवान जी की मिट्टी हमारे पेड़ पौधों में यूज हो पाए। दोस्तों आप सीडलिंग ट्रे में भी भर के सीड्सों को लगा सकते हैं। मैंने ये एक गमले में 6-7 सीड्स लगाए हैं, 1 इंच के करीब नीचे करके लगाए हैं। उसके भी आने में ऊपर थोड़ा 5-6 दिन का समय लग सकता है दोस्तों। अब हम देखते हैं कब तक इसमें ओके आते हैं और अपडेट वीडियो के साथ मैं आपको पेश करूंगी दोस्तों अपने प्लांट्स को। ये लगाने के बाद इसमें अगर आपकी सूखी मिट्टी है तो पानी डाल दीजिए। पानी जब तक नीचे तक डालिए कि नीचे ज़मीन में बहने नहीं लग जाए, तब तक इसका पानी बंद नहीं करना है। और अगर पानी वाली मिट्टी है तो ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको डेली थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। देखिए मेरी पूरी मिट्टी गीली थी तो मैंने इसमें पानी ऊपर से नहीं डाला है, बस मिट्टी से सीड्सों को ढक दिया है। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको सीडलिंग दिखाई है। अभी आप अपने घर में भी गार्डनिंग करना चालू कीजिए और मुझे यही खुशी होगी कि मैं आपको कुछ अच्छा से सिखा सकी। मेरी वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, मैं हमेशा जवाब देती हूँ। आप कभी भी मेरे वीडियोस को ओल्ड को उठाकर देख सकते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ढेर सारे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, मिलने वालों के साथ आगे से आगे शेयर कीजिए। आप कोई भी मीडिया अपना सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप में कीजिए, फेसबुक में कीजिए, ट्विटर में कीजिए और ये आपका मन है। किसी भी तरीके से वीडियो को आप बताइए जिससे कि ये वीडियो देखें और अपने घर में गार्डनिंग करें। फ्री ऑफ कॉस्ट आप घर में सीड्स निकाल कर गार्डनिंग कर सकते हैं जिस तरीके से मैं बताती हूँ। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से गार्डनिंग करना आप सीख जाएंगे, बस यही मेरी मंशा है। थैंक यू दोस्तों, वेलकम माई फ्रेंड्स, बाय।